व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी न्यू वीडियो में। गाइज लास्ट वीडियो में मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी ब्रांड न्यू एप्पल आईपैड 10th जनरेशन 2022 मॉडल की, 64GB विदाउट सेलुलर है ये गाइज, वाईफाई 6 है इसके अंदर। और गाइज आज मैं उसी आईपैड के बारे में आपको रिव्यू देने वाला हूँ गाइज, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसकी परफॉर्मेंस एंड इसकी डिस्प्ले क्वालिटी कैसी है। तो गाइज चलिए हमारी वीडियो की तरफ। तो गाइज दिस इज़ आवर आईपैड 10th जनरेशन सिल्वर कलर 64GB वेरिएंट विदाउट सेलुलर। इसमें साइड में हम देखेंगे तो गाइज हमें वॉल्यूम रोकर बटन दिए हुए हैं और इसके पीछे हमें दिया हुआ है 12 MP का 4K कैमरा और विदाउट लाइट है यार, इसमें फ्लैश लाइट नहीं है। ऊपर हमारे स्पीकर ग्रिल्स दी हुई हैं दोनों तरफ। तो गाइज स्पीकर ग्रिल के साथ में ही इन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर माउंट करके दिया हुआ है जिसमें आप अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। और गाइज नीचे इन्होंने टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, द बेस्ट थिंग कि आईपैड में अब टाइप सी पोर्ट आने लग गए हैं। तो हम अपने साउंड टेस्ट की तरफ चलते हैं। वैसे तो इन्होंने 4 स्पीकर ग्रिल दिया हुआ है लेकिन स्टीरियो ही स्पीकर चलते हैं, इसमें 2 ही स्पीकर काम करेंगे। आफ्टर द साउंड क्वालिटी यार कैमरा क्वालिटी टेस्ट भी कर ही लेते हैं। 12 MP का 4K डिजिटल कैमरा दिया हुआ है, 60 FPS पे ये वीडियो को रिकॉर्ड करता है और फोटोज़ भी बहुत हाई डेफिनेशन क्वालिटी में क्लिक करता है। आप देख ही सकते हो मैंने जैसे जूम करा कि कोई भी पिक्सल नहीं फट रहा। और पिक क्लिक करके देख लेते हैं एक बार ही, काफ़ी वाइब्रेंट कैमरा है। अभी आपको मैं पिक्चर क्वालिटी भी दिखा देता हूँ इसकी, जैसे मैं जूम करता हूँ आप देख सकते हो कितने वाइब्रेंट कलर्स आ रहे हैं इसके अंदर और काफ़ी नेचुरल है यार, मतलब जैसे कोई वो नहीं है कि बिल्कुल हाईलाइट कर दिया कलर्स को या ऐसा कुछ कर दिया। और गाइस बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, तो लैंडस्केप में 12 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया हुआ है। इसमें 2.4 अपर्चर है और स्मार्ट HDR3 है। 1080p पर यह वीडियो रिकॉर्ड करता है, 60 FPS पे टाइम लैप्स वीडियो स्टेबलाइजेशन भी दिया हुआ है इसमें। तो गाइज हम इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी एक बार चेक कर लेते हैं। लिक्विड रेटिना डिस्प्ले है 10.9 इंच की, LED बैकलिट मल्टी टच डिस्प्ले है IPS टेक्नोलॉजी पर। और गाइज 2360x1640 पिक्सल रेजोल्यूशन एट 264 पिक्सल पर इंच पर दिया हुआ है इन्होंने। ट्रू टोन डिस्प्ले है, 500 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है और फिंगरप्रिंट रेजिस्टेंट ओलियोफोबिक कोटिंग के साथ आती है और सपोर्ट एप्पल पेंसिल USB-C पर। यार ये दिक्कत है कि ये USB-C पेंसिल सपोर्ट करती है, वाइब्रेंट कलर के साथ आती है बट कलर देख ही सकते हो यार कितने वाइब्रेंट आ रहे हैं इसमें, 4K वीडियो चलाई हुई है मैंने। आइए चलिए थोड़ा सेटिंग्स की तरफ चलते हैं और अभी जनरल सेटिंग्स पर आते हैं हम। तो गाइज अबाउट में जैसे हम जाते हैं इसके, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारा लेटेस्ट वर्जन है ये आईपैड और यहाँ पर हमारा स्पेस दिया हुआ है कितना यूज़ किया हुआ है। चलिए अब नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो नोटिफिकेशन को आप यार देख ही सकते हैं, अलग अलग ऐप की आप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं। इसी के नीचे गाइज हमें साउंड की सेटिंग्स दी हुई है, आप देख ही सकते हैं क्या क्या सेटिंग्स हैं इसमें। वॉल्यूम के लिए सेटिंग्स हैं, बाकी आप अपनी रिंगटोन वगैरह चेंज कर सकते हैं। फोकस मोड, यू ऑल नो डैट फोकस मोड, हाउ टू यूज़ इट। स्क्रीन टाइम की बात करें तो यार हमें स्क्रीन टाइम प्रॉपर दिखाता है कि एप्लीकेशन का कितना यूसेज है। जनरल में आप अपना स्पेस देखिए, कितनी एप्लीकेशंस मतलब कैसे कैसे स्पेस को यूज़ कर रही है, कितना स्पेस यूज़ कर रही है, उस हिसाब से आप एप्लीकेशंस को रख सकते हैं आईपैड के अंदर। बाकी आइए चलिए कंट्रोल सेंटर पर चलते हैं। तो आप इसको डार्क मोड में या लाइट मोड में चेंज कर सकते हैं, यहीं पे सेटिंग ऐड कर सकते हैं टॉगल में कंट्रोल सेंटर के। और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए भी आप अपना एक शॉर्टकट डाल सकते हैं कंट्रोल पैनल पर। मल्टीटास्किंग के बारे में बात करें तो यार मल्टीटास्किंग इसमें बहुत इजी यूज़ दिया हुआ है, 4 फिंगर पिंच और 5 फिंगर पिंच पे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं इसमें। स्प्लिट व्यू वगैरह भी देख सकते हैं ये देखिए, और साइड से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेफ़्ट स्वाइप करके या राइट स्वाइप करके आप अपना वो खोल सकते हैं नोट्स वगैरह। वॉलपेपर पर आते हैं तो गाइज इसमें वॉलपेपर बहुत सारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वॉलपेपर हैं, वॉलपेपर की सेटिंग्स भी आप यहीं से कर सकते हैं। नाउ वी कम टू सिरी। हे सिरी ओपन कैमरा। तो गाइज यार ये मैंने आपको एम्बियंट साउंड में दिखाया कि ये प्रॉपरली वर्क करता है सिरी एम्बियंट साउंड में भी, अगर आपकी कोई डिस्टर्बेंस भी हो रही है तो।
तो गाइस चलिए पासकोड की तरफ चलते हैं। तो टच आईडी एंड पासकोड्स में आप सारी अपनी सेटिंग्स वगैरह चेंज कर सकते हैं एप्पल आईडी रिलेटेड। और ये आते हैं प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड ऐप स्टोर पे। तो ऐप स्टोर पे आप सारी एप्लीकेशंस का डाटा देख सकते हैं और देख सकते हैं मतलब कितना यूज़ हो रहा है कैसे है। बाकी ये हमारे डिस्प्ले है यार, 60 हर्ट्ज़ का पैनल है। और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप टिप्स पे जा सकते हैं, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप टिप्स पे जाकर इस पर सारा कुछ नेविगेट कर सकते हैं आईपैड पे। ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपको किस किस चीज़ के लिए कैसे कैसे नेविगेट करना है। ये सारे ऑप्शंस है लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हैं, मैं जस्ट क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको सारे ऑप्शन। तो आप यहाँ पे यार एनिमेशन देख सकते हैं और इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको। बाकी आपको नीचे बार में सारी यूज्ड ऐप दिखा देगा और शॉर्टकट्स भी दे देगा सारी एप्लीकेशन के। पर गाइस आप एक म्यूजिशियन और एक आर्टिस्ट है तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो यार ये था ट्रम्पेट और अभी हम ग्रैंड पियानो खोल के दिखाते हैं। ये मैंने सलार की थीम प्ले करके दिखाई थी। अभी हम गेमिंग की तरफ चलते हैं, गेमिंग टेस्ट कर लेते हैं एक बारी सबवे सर्फर पर। तो गाइस गेमिंग की बात करें तो आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप इस पे पबजी खेलिए या फिर सबवे सर्फर खेलिए या एसफेल्ट खेलिए, कोई भी गेम खेलिए, आपको कोई इशू नहीं आएगा। इसमें A14 बायोनिक चिप दी हुई है, 6 कोर CPU 4 कोर ग्राफिक के साथ ही आता है एंड 16 कोर न्यूरल इंजन है। और यार अभी अगर हम आते हैं इसकी आर्ट के ऊपर, तो आर्ट के लिए आपको इसमें फ्री फॉर्म करके एक एप्लीकेशन दी हुई है जिस पर आप अपनी कोई भी आर्ट बना सकते हैं या फिर स्केचिंग कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन आपको यार एप्पल की जो टाइप सी पोर्ट वाली पेंसिल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें एप्पल सेकंड जनरेशन पेंसिल सपोर्ट नहीं करती। तो यार इसके लिए दूसरे ब्रांड की मैं एक पेंसिल मंगवाऊंगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। बाकी अगली वीडियो में उसका रिव्यू दे दूँगा। सो गाइज आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो गाइज लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे फैमिली के, तो यूट्यूब मेरी फैमिली है, तो उन कमेंट्स के गाइज मैं रिप्लाई कर देता हूँ अभी आपको, कुछ क्वेरीज थी उनको क्लियर कर देता हूँ। तो ये कुछ कमेंट आया हुआ था, हाउ डज कैशबैक वर्क लाइक SBI में 3000 का कैशबैक PRZ 9084। तो यार देखो ऐसा है कैशबैक का, तो मेरे को भी SBI का कैशबैक मिला था 3000 रुपीज़ का, और वो भी पहले तो फ्लक्चुएट हो रहा था ICICI में और SBI में, पहले तो कार्ड ही नहीं शो कर, मेरे ख्याल से 34,000 समथिंग इसका अप्रॉक्स ये प्राइस दिखा रहे थे जियो मार्ट पे। कार्ड डिस्काउंट लगने के बाद मुझे 29,000 समथिंग का ये पड़ा, जो कि क्रेडिट कार्ड से अमाउंट 1400 समथिंग का इन्होंने EMI का कैशबैक भी दिया है, तो जाके मेरे को 30,000 अप्रोक्स ही लगा लो, 30,000 के अप्रोक्स ही पड़ा है मुझे ये। और दूसरा कमेंट था राजेश सकलानी जी का कि दैट योर वीडियो इज़ गुड 100%, बट इफ़ यू डू वॉइस ओवर ऑन द वीडियो देन द वीडियो विल बी मोर इंटरेस्टिंग। तो राजेश जी बात ये है कि ये मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, तो मैंने सोचा इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक दे दूँगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी आपका कमेंट बिल्कुल ठीक है, मुझे इसमें थोड़ा वॉइस ओवर करके बता देना चाहिए था, कुछ इन्फो देनी चाहिए थी, उसी के लिए मैंने अभी ये रिव्यू वीडियो बनाई है कंप्लीट आपके लिए, तो आप इसको भी देख लीजिए कैसी है, बता देना यार कमेंट में, बता देना मुझे। और अपना अगला कमेंट आया हुआ सार्थक भाई का कि ब्रो जियो मार्ट से सेफ है क्या बाय करने को? यार वैसे तो कई बार इशू आ जाते हैं, कुछ कहीं पे भी हो सकता है, तो अमेजोन पे भी इशू हो सकता है या फिर फ्लिपकार्ट पे हो सकता है या जियो मार्ट पे, कहीं से भी आप ऑनलाइन मंगाओ तो कभी कभी कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि जब ये लोग कुरियर सर्विस करते हैं तो गिरा देते हैं, कभी कुरियर सर्विस वालों की गलती हो जाती है तो उसमें डिफेक्ट आ जाते हैं। बाकी ये है कि आपको सर्विसिंग कंप्लीट देते हैं, अगर आपको कोई डिफेक्ट आता भी है तो उसको चेंज करके देंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी शॉपिंग करो, आपको सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए। बाकी अपना अगला कमेंट है कितने का है जियो मार्ट में 30GB का मिला? हाँ तो पीयूष भाई यार मेरे को 30GB अप्रोक्स ही मिला है ये, अगर आपको भी ऑर्डर करना है तो शायद अभी डिस्काउंट चल रहा होगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये कुछ कमेंट्स थे यार, बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब देख तो रहे हो व्यूज़ आ रहे हैं बट लेकिन लाइक और कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे, और सब्सक्राइब करो यार चैनल को दबा के, तभी आपके लिए मैं नई नई वीडियो लाता रहूँगा। और अगली वीडियो में गाइस मैं इसके लिए पेंसिल मंगाने वाला हूँ, पेंसिल और ऑर्डर करूँगा, एप्पल पेंसिल अप्रोक्स 9,000 रुपीज़ की है, तो इसकी थर्ड पार्टी पेंसिल्स भी आती है जो आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा वो कैसी है, और इसके लिए मैं कवर भी एक ऑर्डर करने वाला हूँ, उसका भी मैं रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। थैंक यू गाइस।
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो क्लोज अप।